हाय एवरीवन, कई बार मदर्स का एक कंप्लेन होता है कि हमारे बच्चे हेल्दी नहीं खाते। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा टिप है जिसके साथ आप बहुत सारी हेल्दी चीज़ें आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप एक न्यूट्रिशियस हेल्दी रोटी बना सकते हैं या परांठे बना सकते हैं जिसको बच्चे बहुत अप्रिशिएट करेंगे और बहुत ही आराम से इनको खा भी लेंगे। न्यूट्री रोटी बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम पालक। पालक के अंदर विटामिन के होता है जो कि एक प्रोटीन बनाता है ऑस्टियो कैल्क। वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के कैल्शियम को स्टेबलाइज करता है बोन के अंदर। दूसरे और बहुत से रीज़न हैं जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, डाइट्री फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, ये पालक के अंदर होता है। एंड साथ में हाई लेवल ऑफ ल्यूटीन, कैरोटीन एंड क्लोरोफिल जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। तो देखिए, पालक किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन ए के कारण। विटामिन ए अगर इसके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि ये आपको बैक्टीरिया एंड वायरस के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ फूड प्रोसेसर के अंदर पालक लिया है। आप चाहें तो इसमें बथुआ भी मिला सकते हैं, मेथी भी मिला सकते हैं, आपके बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। तो इसके अंदर का फोलेट जो है वो अगेन आपके वेट को मैनेज करने में काम देता है। एंड साथ में ये जो एक वेजिटेबल है ये अल्कलाइन होती है नेचर में। तो देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सत्तू का आटा है। सत्तू का आटा इज़ अ सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन, तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद दूसरे प्लेस पे आप देखेंगे ये मिलेट्स का आटा है। मैं यहाँ पे जौ, जवार, बाजरा, रागी इसको पिसवा के रखती हूँ और ये हमारा नॉर्मल वीट, होल वीट का आटा है। तो देखिए, तीन तरह के आटे मैंने ले लिए, तीनों को मैंने हाफ हाफ कटोरी लिया है और उसके साथ यहाँ पे नमक है स्वाद अनुसार, गरम मसाला है एंड धनिया है। तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन एंड वन प्याज, एक छोटा प्याज आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमने ले ली। इसके ये सब चीज़ें आपके टेस्ट को एनहांस करेंगे। मिलेट एंड सत्तू का आटा इसके न्यूट्रिशन को बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी डाल दी है हमारे फूड प्रोसेसर के अंदर, जिसके अंदर आप हाथ से भी आटा लगा सकते हो एंड फ्रूट प्रोसेसर के अंदर भी आटा लगा सकते हो। तो देखिए, ये अच्छी तरह से पिस गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें इसके अंदर पिस गई है और अब मैं इसको आटा लगा रही हूँ इसके अंदर। देखिए, ये आटा तैयार हो गया, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ये आटा। एंड साथ में ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, आप इसकी रोटी या पूड़ी बना सकते हैं।